सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। अभी मेरा फाउंडेशन की पहल के अंतर्गत मैं अनीता चौधरी, प्रधानाचार्य सनराइज पब्लिक स्कूल सियाना, कोरोना के विरुद्ध युद्ध में अपने विचारों द्वारा सहयोग देना चाहती हूँ। वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी एक ऐसी समस्या है जिससे न केवल कोई एक बल्कि पूरा देश और विश्व प्रभावित है। आज पूरा देश इस बीमारी के असर से जूझ रहा है, जिस कारण कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच ने हम सभी के मस्तिष्क में घर कर लिया है। आज ये समय हम सभी को अपनी सोच में बदलाव लाने का है। हमें एक दूसरे का भरपूर सहयोग करना होगा तथा इस बीमारी से बचने के लिए कुछ आवश्यक नियमों का भी पालन करना होगा। हमें स्वच्छता पर अपना विशेष ध्यान देना होगा। हम सभी को आशावादी विचारधारा अपनाते हुए स्वयं के जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाना होगा। इसके लिए हमें सोशल मीडिया का प्रयोग सीमित मात्रा में करना होगा, जिससे जो नकारात्मक सूचनाएं हमें प्रभावित ना कर पाए। हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा, जिसमें योग, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करने वाले कोरोना योद्धा जैसे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर, नर्स इत्यादि का हमें सम्मान करना है। उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि वही इस समय सबसे फ्रंट पर हमारे लिए सहयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि हम सभी की सोच और व्यवहार सकारात्मक होगी तो उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर भी दिखाई देगा। इसके साथ ही हम सभी को अपने मित्रों, परिवारजनों, सहयोगियों, सहकर्मियों, पड़ोसियों के साथ उचित दूरी बनाते हुए संपर्क में रहना होगा तथा उनकी भी जीवन शैली और विचारधारा को सकारात्मक बनाने के सहयोग देना होगा। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा तथा सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। भयभीत नहीं होना होगा, क्योंकि यह समय धैर्य से एक दूसरे के साथ देने का है। साथियों, इसी के साथ दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी विचारधारा को विराम देना चाहूँगी। यह कहकर दिल ने मेरे हौसले बढ़ा दिए, यह कहकर दिल ने मेरे हौसले बढ़ा दिए, गमों की धूप के आगे खुशियों के भी साए हैं। देशवासियों, मैं आपको एक कछुए की कहानी के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार कछुआ अपने कवच से बाहर आकर ये प्रसन्न होता है कि उसे आज़ादी मिल गई, लेकिन उसे उसके साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि आज़ादी के साथ उसकी सुरक्षा भी हट गई है। मेरे साथियों, मुझे एक बात कहनी है आप लोगों से कि हमें भी उस कछुए की भांति लॉकडाउन अनलॉक होने पर खुशी तो मनानी है, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम उस कवच से बाहर आके अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। मैं तीन बातों के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहूँगी। सबसे पहले, अगर हम बाहर निकलते हैं, हमें तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, हमें बाहर निकलते वक्त अपने फेस को कवर करना है, चाहे हम उसको एक कपड़े से करें, चाहे फेस मास्क से करें। नंबर दो, हमें किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त, काम करते वक्त एक उचित दूरी बनाए रखना अति आवश्यक होगा। नंबर तीन, हमें किसी भी वस्तु को छूकर या बाहर से कहीं भी घर में प्रवेश करते समय अपने हाथों को अच्छी तरीके से 30 सेकंड तक धोना होगा, ताकि कीटाणु हमसे दूर हो सके। यही तीन माध्यम हैं जिससे हम कोरोना को दूर भगा सकते हैं। इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सावधानियां हैं। हमें उन सबको अपने जीवन में लाना होगा और कोरोना के साथ आगे चलना होगा। इसी के साथ सबको मेरा नमस्कार। जय।